दोस्तों, हाल ही में भारत के चेन्नई में रहने वाले 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने एक ऑनलाइन चैंपियनशिप में दुनिया के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराकर शानदार जीत हासिल की है। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने यह उपलब्धि इटली में ग्रैंड डैन ओपन के अंतिम दौर में पहुंचकर हासिल की है। इसी के साथ रमेश बाबू प्रज्ञानंदा भारत के सबसे युवा और विश्व के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आपको बता दें कि अब तक विश्व चैंपियन मैक्सन कार्लसन को दो भारतीयों ने हराया है, जिसमें विश्वनाथन आनंद और पेंथाला हरिकृष्णा का नाम शामिल है, और अब तीसरे खिलाड़ी के रूप में रमेश बाबू प्रज्ञानंदा का नाम भी जुड़ गया है। अंतिम में आपको बता दें कि 16 वर्षीय प्रज्ञानंदा 2016 में 10 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी बन गए थे। तो दोस्तों, इस इन्फॉर्मेशन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।